मॉर्निंग गाइज, मैं पूर्णिमा और आपको पता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और ट्रैवलिंग वीडियो शूट करती हूँ। और आपको ये भी मालूम है कि मैं 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर रही हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में और आज से मेरा दर्शन स्टार्ट हो रहा है। और जब आप बनारस आएँ तो आपको काल भैरव जी से पहले अनुमति लेना होता है, क्योंकि बनारस आते ही वो बनारस के देवता हैं जो बनारस को संभाल के रखे हैं। तो चलिए पहले भैरव जी का दर्शन करते हैं और उनसे आगमन लेते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए यहाँ पे घूमने के लिए, यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप आए तो पहले भैरव जी यानी कि काल भैरव जी का दर्शन करें, उसके बाद ही कहीं भी आप यानी काशी विश्वनाथ हो या फिर विशालाक्षी हो या फिर अन्नपूर्णा माता हो, इन सभी का दर्शन इनके बाद करें। तो बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग करने से पहले हर हर महादेव सबको, एक भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मतलब जो वीडियो मैं ला रही हूँ आपके लिए, एक भी क्लिप स्किप हो गया तो शायद हो सकता है दर्शन करने टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप कोई भी क्लिप को स्किप मत कीजिएगा। ये देख सकते हैं, ये है गदौलिया चौक चौराहा, चारों तरफ आपको दिख रहा होगा, यही वो जगह है जहाँ से आप दर्शन के लिए सामने एरिया से जा सकते हैं, चाहे वो गेट नंबर 4 हो, गेट नंबर 2 हो, आपको हर जगह से आप दर्शन कर सकते हैं। मैं जाऊंगी सबसे पहले भैरव मंदिर, इसलिए मैं गेट नंबर 2 से जा रही हूँ। ऐसा कोई बात नहीं कि आप गेट नंबर 2 से जाओ, गेट नंबर 4 से भी जा सकते हैं, बट अगर समर्थ नहीं है चलने में तो आप ज़रूर रिक्शा ले लें, क्योंकि थोड़ी लंबी हो जाती है रास्ते, यानी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हो जाता है, जिसके वजह से आपको परेशानी हो सकती है चलने में। मैं चल सकती हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना देखना बहुत पसंद है, इसलिए मैं पैदल ही चल रही हूँ। ये सब देख सकते हैं, ये गेट नंबर 2 का गली है, यहाँ पे आपको विश्वलाक्षी मंदिर या फिर अन्नपूर्णा मंदिर सब सामने नजर आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं व्हील चेयर भी आपको दिख रहा है, और अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो व्हील चेयर से दर्शन के लिए जा सकते हैं। मणिकर्णिका से मैं घाट से मैं पार कर रही हूँ, गेट आप देख सकते हैं सामने, और सामने ही आपको अगर बनारस आए तो ये कॉमन चीज़ है जो आप डेथ को देख सकते हैं, ये ट्रू है, यही सत्य है, और इसीलिए बनारस हमें बताता भी है कि डेथ ऑफ लाइफ है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम पहुँचते हैं भैरव मंदिर, और मैं बहुत ही नियर आ चुकी हूँ भैरव मंदिर के। ये है भैरव मंदिर का मेन गली। और एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आप गली के अंदर एंट्री करते हैं तो सामने ही मतलब फूल या फिर चप्पल ना रख दें, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि आपको फिर दर्शन से जब बाहर निकलेंगे तो आपको ये दुकान खोजने में दिक्कत हो जाएगा। ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ मैंने अनुभव किया है तो मुझे ये पता है। इसलिए अगर आप कभी भी कहीं भी दर्शन के लिए जाएं तो आपको मेन जहाँ पे मंदिर का द्वार होगा वहाँ से ही आप मतलब प्रसाद लें, कुछ भी लें, और चप्पल वहीं रख के चले जाएं, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको याद रहेगा कि आप मेन मतलब मेन मंदिर के द्वार पर थे और वहीं के आसपास के दुकानों में से आप सामान खरीदे थे। लोग आपको थोड़ा भ्रमित करेंगे कि आप यहाँ से ले लो, ये गली है, यहाँ से चले जाओ, शॉर्टकट है। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, आप लोगों को देखें, लोगों से पूछें कि मेन जो मंदिर का गली है, मेन मंदिर का जो दरबार है वो वहाँ मुझे जाना है, ये ज़रूर आप करें। मैं पहुँच चुकी हूँ, चलिए दर्शन करते हैं। और दर्शन से पहले फूल आप देख लें, यहाँ पे जो भैरव जी को फूल है नीलकंठ वाला, फिर आपको तेल जो भी आपको चढ़ाना है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ही आप रखवाएं और चप्पल भी रखवा दें। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो रहा है कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बाहर किसी और गली से निकल जाती हूँ तो फिर मुझे खोजने में दिक्कत होता है, तो ये ज़रूर आप काम करें। चलिए दर्शन करके निकलते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली मेरा दर्शन कंप्लीट हो गया और मैं बाहर निकल चुकी हूँ, और दर्शन बहुत अच्छा था। अब यहाँ से जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। ये जो मंदिर पड़ता है ये सबसे लास्ट में है, काशी भैरव जी का मंदिर, और इसके बाद आप पीछे होते जाएंगे और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर आए। सबसे पूछ के जाइए, अगर समर्थ है तो पैदल ही चल सकते हैं, और अगर असमर्थ है तो रिक्शा ले सकते हैं या फिर टोटो, रिक्शा जल्दी मिल जाता है, 20-30 रुपये लगेंगे और आप फिर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँच जाएंगे। तो चलो यहाँ से निकल
निकलते हैं। दर्शन बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा। एक बार व्यू दिखाती हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं मंदिर दर्शन के लिए, जो मेरे बाबा का मंदिर है। हर हर महादेव इसी से बोलिए और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं हर जगह पैदल जा रही थी, बट आप ऐसा कुछ ना करें, लोगों से पूछें कि मंदिर कैसे जाना है, और आप कोई भी व्हीकल ले लें, रिक्शा ले लें या ऑटो ले लें या टोटो ले लें, और यहाँ पहुँच जाएं। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँच चुकी, ये देख सकते हैं गेट नंबर 1 है और बहुत खूबसूरत लग रहा है, और अंदर का जो मंदिर है ना वो भी मुझे दिख रहा है। काशी विश्वनाथ पहुंच चुकी हूं और बहुत अच्छा लग रहा है। वाइब्स ही चेंज हो गई है बनारस, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूं। मेरे पीछे ही देख सकते हैं ये कॉरिडोर एरिया है, और यहां से ही आपको दर्शन हो जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। तो मैं थोड़ा सा व्यू यहां का दिखाती हूं। अगर आप कॉरिडोर एरिया आना चाहते हैं यानी गेट नंबर 1, तो आपको ललिता घाट से आना होगा। ये देख सकते हैं ललिता घाट का गेट है, और जस्ट उसके बगल में ही आपको लॉकर दिख जाएगा। लॉकर में अगर आप ललिता घाट में स्नान कर लिए हैं तो यहाँ पे आकर जितना भी आपका सामान हो, जितना भी बड़ा बैग क्यों ना हो, यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। चाहे वो आपके कपड़े हो, जूते हो, व्हाटएवर, जितना भी चीज़ है यहाँ पे जमा करा के आप गेट नंबर 2 से एंट्री ले लीजिए। फ़ोन ले जाइएगा गेट नंबर 2 में, अलाउड है फ़ोन अंदर में। गर्भगृह में तो आपको अलाउड नहीं रहेगा, बट बाहर जो गेट के बाहर है वहाँ तक आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं और कैमरा ले सकते हैं, यानी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो मैंने सारा सामान रखवा दिया था, अपना फ़ोन ले लिया था। फ़ोन लेने के बाद आप ये देख सकते हो कि अब मैं गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 जाऊँगी, और यहाँ पे गेट नंबर 1 पे आप अगर कैमरा लिए हो तो यहाँ पे शूट कर सकते हो बाहर में, और उसके बाद लॉकर में अपना कैमरा बैग सब रखवा दो और फिर फ़ोन लेके गेट नंबर 2 पे चले जाओ। बाबा जी का दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। अंदर का दर्शन तो नहीं हो पाएगा, आप ज़रूर आना यहाँ पे और दर्शन करके जाना। तो चलो इतना हो गया और मैं दर्शन करती हूँ, अब एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ, मुझसे वेट नहीं हो रहा है, तो चलो निकलते हैं। तो हर हर महादेव दर्शन कंप्लीट हो चुका है, मैं आ चुकी हूँ गेट नंबर 1 पे। गेट नंबर 1 पे आप कैमरा अलाउड है, यहाँ से कैमरा शूट कर सकते हैं। ये कॉरिडोर एरिया है, और किसी से भी पूछेंगे कि गेट नंबर 1 जाना है तो आप यहाँ पे आके यहाँ से गर्भगृह का जो भी चीज़ है वो शूट कर सकते हैं। बट गेट नंबर 2 पे अगर आप जाते हैं तो फ़ोन लेके जाइएगा, अंदर का जो गर्भगृह क्लियर जो दिख रहा है वो आप शूट कर सकते हैं। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं और विश्वलाक्षी मंदिर यानी शक्तिपीठ जो है वहाँ के दर्शन करते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं, टाइम हो चुका है 1 बज चुके हैं, और लाइन भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो 2-3 घंटे लग गए मेरे, कोई बात नहीं है। और यहाँ से चलते हैं और शक्तिपीठ के दर्शन करते हैं। तो चलो बिना लेट के यहाँ से निकला जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर में ही आपको अन्नपूर्णा मंदिर भी मिल जाएगा, तो भूले नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर ही अन्नपूर्णा मंदिर भी है, और वहाँ पे अन्नपूर्णा भोजनालय है। जब सारा पूजा आपका हो जाए तो वहाँ पे जाके आप भोजन कर सकते हैं फ्री में। अगर आप शक्तिपीठ दर्शन करना है, खाना नहीं चाहते, तो आप बिना खाए फिर अन्नपूर्णा मंदिर से निकल के आप माता रानी के दरबार आ जाइए, यानी विश्वलक्ष्मी मंदिर जो 108 शक्तिपीठों में से एक है। मैंने दर्शन किया, दर्शन ये आप देख सकते हैं ये बाहर का है, अंदर में अलाउड नहीं है आपको फोटो शूट करने के लिए। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ फिर भी, क्योंकि मेरा मन भी नहीं मानता है। दर्शन कीजिए और गोल्ड लग लीजिए माता रानी का, और फिर यहाँ से मैं निकलूंगी तो जाऊंगी भोजनालय। उसका मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ भी अलाउड नहीं था, इसलिए यहाँ से अब निकलते हैं और फिर अन्नपूर्णा भोजनालय हम निकल जाएंगे। अन्नपूर्णा भोजनालय के बबाद बहुत देर हो जाता है, यानी 3-4 बज ही जाते हैं, तो आपको थोड़ा रेस्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप पूरा दिन लिटरली करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत हैरस हो गए, तो ऐसा कभी ना करें। इतना 4 दर्शन करें, जैसे कि भैरव जी हो गए, हमारे काशी विश्वनाथ जी हो गए, अन्नपूर्णा मंदिर हो गया, फिर माँ विश्वलाक्षी मंदिर हो गया। ये 4 मंदिर के दर्शन करने के बाद, खाना खाने के बाद आप होटल चले जाएँ। होटल जाने के बाद शाम होने का वेट करें, यानी फिर 1-2 घंटा रेस्ट करें और उसके बाद फिर शाम को निकले। तो मैं भी अभी जा रही हूँ, जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ जाऊँगी और फिर शाम को मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, तो मैं अब आ गई हूँ भुदौलिया चौक, मतलब अपने होटल से। सो अब हम सोच रहे हैं कहाँ जाएँ, क्योंकि शाम का टाइम है और क्योंकि घाट तो नहीं जा पाए आरती के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें तो देख सकते हैं, बट रश बहुत है, पहले वो दिखाती हूँ।
बुदौलिया चौक जैसे ही पहुंचेंगे आपको आसपास में ठंडाई भी दिख जाएगी, थोड़ा सा पिए, ज़्यादा नहीं क्योंकि हैंगओवर ज़्यादा करता है ये। मैंने तो लाइफ में कभी ट्राई नहीं किया, बट आप ट्राई कर सकते हो। SBI ATM भी दिखता है, यानी ATM की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बुदौलिया पे आपको मिल जाएगा। रश बहुत ज़्यादा है, 6 बजे का टाइम है और बहुत ज़्यादा रश रहता है, इसलिए आपको दर्शन करना है या कुछ भी करना है तो प्लीज़ जल्दी निकले और उसके बाद दर्शन के लिए जाएं, क्योंकि 6, 7, 8 बजे का जो टाइमिंग रहता है वो बहुत रश रहता है, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो चौक हो, चाहे वो मंदिर हो, तो ऐसा कुछ है। और एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप बारिश के टाइम में जा रहे हो, अगर आप जैसे मैं अभी आई हूँ बारिश के टाइम के बाद, या बारिश हो रही है अभी भी, मानसून ऐसा है रेनी सीजन का, तो इस समय घाट की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और इस समय सब कुछ बंद होता है, यानी कि घाट की एंट्री बंद होती है, बोटिंग बंद रहती है, लेज़र लाइट बंद रहता है, जिसके वजह से मेरा 2-3 चीज़ का तो घाटा हो गया, क्योंकि मेरी थोड़ी सी थी फीलिंग कि मैं जब जाऊंगी तो थोड़ा घाट मतलब बोट से जाऊंगी या फिर घाट पर चलूंगी, तो ये सब आप नहीं कर पाओगे रेनी सीजन में, क्योंकि पूरा पानी बढ़ा रहता है जिसके वजह से कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं और सारी बोट साइड लगी रहती है, ये सब नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम शाम को आए हैं तो कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर करना ही है, तो मैं थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करूँगी, और भी बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर करना है। चलिए मेरे साथ आप भी एक्सप्लोर कीजिए और देखिए, बुदौलिया चौक से मैं फिर से गेट नंबर 2 जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट देखना है और अन्नपूर्णा भोजनालय भी जाना है, क्योंकि मैं सुबह तो नहीं गई थी, तो मैं शाम को जाती हूँ और देखती हूँ शाम को क्या मिलता है। ऐसे मुझे पता तो चला है कि सुबह जो है वो, जैसे आप अन्नपूर्णा टेम्पल जाते हो उसके अंदर से ही भोजनालय, आपको अन्नपूर्णा भोजनालय मिल जाता है, किसी से भी आप पूछ लीजिएगा अन्नपूर्णा टेम्पल में ही, और वहाँ पे दोपहर के टाइम में 5 बजे तक आपको चावल, दाल, मिठाई, छाछ और कढ़ी, ये सब कुछ मिल जाएंगे, तो आप खाना खा लेना। और शाम के टाइम से स्टार्ट हो जाता है पोहा, इडली, डोसा, उसके बाद फिर वड़ा, बहुत कुछ, चावल, फ्राइड राइस, ये सब रहता है। तो चलो वहाँ जाते हैं और माता रानी का भोग खाते हैं, क्योंकि मुझे भोग बहुत पसंद है, तो मैं पहले वहाँ चलती हूँ और उसके बाद फिर मैं कहाँ जाऊँगी मैं ये भी आपको बताऊँगी। मैं अन्नपूर्णा टेम्पल एकदम पहुँच गई हूँ, ये आप देख सकते, ये बहुत नियर हो गए, ये एकदम, मतलब अब मैं आपको बता सकती हूँ कि यूपी की, बनारस की जो गलियाँ हैं ना वो बहुत प्यारी है। ये एक लोगों की गली है बट 2 लोग आ जा सकते हैं, ऐसा कुछ मैजिक है। बहुत पतला गली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भोजनालय साला, अंदर में वीडियोस अलाउड नहीं है इसलिए वीडियोग्राफी हम नहीं कर सकते, बाहर निकल के बात करते हैं। सो भोजन कंप्लीट हो चुकी है, माता रानी के दरबार पर जाकर मैंने अन्नपूर्णा भोजनालय में भोजन किया। अब यहाँ से निकलते हैं और कॉरिडोर के लिए जाते हैं। सो कॉरिडोर पहुँच चुकी हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर का द्वार है, गेट नंबर 1 है। कॉरिडोर जो एरिया पड़ता है वो गेट नंबर 1 पे है, यहाँ से कैमरा अलाउड है, आपको मैंने मॉर्निंग में भी बताया था। और चलो तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं शाम को कॉरिडोर कैसा होता है। तो कॉरिडोर में ही भारत माता टेम्पल भी है और बहुत कुछ है, जैसे कि यहाँ पे फूड कॉर्नर देख लीजिएगा, ये गेट नंबर 1 है, बुक सेल्फ जो है, लाइब्रेरी है और बहुत कुछ है जो बुक आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर बुक लवर हो तो, और बहुत कुछ है। ATM भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ATM से पैसे निकाल सकते हैं। पानी के लिए भी है, RO यहाँ पे रखा हुआ, अगर आपके पास पानी नहीं है तो यहाँ पानी पी सकते हैं। चलिए मैं अब यहाँ से निकलती हूँ और बाहर आ चुकी हूँ, क्योंकि और कुछ तो कॉरिडोर में देखने का नहीं था। मंदिर अगर होगा दोबारा जब हम जाएंगे तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। मैं बाहर आ चुकी हूँ और ये देख सकते हैं लोगों का उत्साह, उमंग, बहुत खूबसूरत लग रहा था शाम बाहर का भी, और रोड भी एकदम भरपूर भरा हुआ था और हर जगह मुझे हर हर महादेव के नगाड़े, साउंड और चैंटिंग सिर्फ सुनाई दे रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था शाम को। मैं घूम रही थी लिटरली, और खाना पीना मैं बाहर, आपको पता ही होगा कि मैं बहुत चूजेबल हूँ, तो बहुत कम ही बहुत चीज़ चूज़ करके खाती हूँ, और व्लॉग में मैं उतना शो नहीं करती क्योंकि मेरा जो भी रहता है वो स्पिरिचुअल और ट्रैवल रिलेटेड होता है। तो अगर व्लॉग, अगर खाने का अगर मैं नहीं डाल रही हूँ तो इसके लिए आई एम सो सॉरी।
पर मैं इंफॉर्मेटिव ज़्यादा लाती हूँ कि अगर आप जिस प्लेस पे जा रहे हो वहाँ के प्लेस के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि खाना पीना तो आपको फिर भी मिल जाता, पर वहाँ की इंफॉर्मेशन जहाँ भी आप जाएं वहाँ आपको कोई तकलीफ ना हो वो मैं आप तक पहुँचा दूँ, इससे बड़ी चीज़ मेरे लाइफ में कुछ नहीं है। और इसलिए ही मैं वीडियोज़ बनाती हूँ और ये चीज़ आप तक पहुँचाती हूँ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर वाराणसी का। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें।